फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि जो टैली की कंपनी होती है उसको किस तरीके से क्रिएट कराते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो कंपनी क्रिएट होती है उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो कंपनी को हम ओपन करते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे? ये आपकी कंपनी बन चुकी है, उसके बाद आपको आना होगा सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपने जो कंपनी बनाया है जिस नाम से, तो उसको ओपन करेंगे। जब कंपनी ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से शो होगा। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले आपको बनाना होता है लेजर, या फिर आप आइटम भी क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन लेजर क्रिएट कराना बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ जो काम होता है वो भी क्या क्या लेजर बने हुए हैं और कौन कौन से आपके यहाँ आइटम हैं। और देखना ये जो आपकी कंपनी है, यहाँ पर लिखा कंप्यूटर रिपेयर, अगर यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, Alt F3 करेंगे और अल्टर से कंपनी के इंटर में चले जाएंगे। यहाँ पर रिपेयरिंग लिखा हुआ है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आएंगे और सबसे लास्ट में कर्सर ऐसे प्रेस करते हुए आप आएंगे राइट एरो और यहाँ पर एंड प्रेस करेंगे, लिख देंगे असेंबलिंग। इस तरह से असेंबलिंग हो जाएगा आपका। इंटर मारते हुए सेव करते हुए ये चले आएंगे यहाँ पर और फिर इंटर मार करके यूँ सेव कर देंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम जो है सेव हो जाएगा। इस तरह से दोबारा हम जब कंपनी को बंद करेंगे फिर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका नाम अगर चेंज नहीं हुआ है तो क्या वजह है। अल्टर थ्री से आएंगे, अल्टर से आएंगे रिपेयरिंग और लास्ट में आना है असेंबलिंग। इंटर इंटर मारते हुए यूँ लास्ट में आना है, इसके बाद आपको यूँ सेव कर देना है। इस तरह से सेव कर देना है और ये नाम सेव हो जाएगा। फिर अगर हम बंद करके खोलेंगे तो भी शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर शो कर रहा। तो आपको देखना ये कंप्यूटर का प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री यानी कि आइटम भी बना सकते हैं। ग्रुप जो है आपका, सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट कराना होगा तो ग्रुप क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पर आना है आपको इन्वेंट्री इन्फो, उसके बाद आना है स्टॉक ग्रुप में आना है, इंटर मारना और क्रिएट कराना है। तो ग्रुप जो है आपको इस तरह से आना है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे और इस तरह से इंटर मारते हुए सेव कर देंगे। इसके बाद ग्रुप के बाद आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कराना होगा और स्टॉक आइटम, तो मेजरमेंट के साथ में क्रिएट करा सकते हैं आइटम भी। तो यहाँ पर मेजरमेंट आना है, आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आता है वो पीस में आना है और यहाँ पर पूरा नाम PICES पीसेस, नंबर ऑफ डेसिमल 2 लिख सकते हैं और उसके बाद NOS यानी कि नंबर्स में, और इस तरह से नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पर 2। अगर कोई चीज़ पैकेट में आती है तो यहाँ पर पूरा लिख देंगे और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर 2 प्रेस कर देंगे। अगर कोई चीज़ मीटर में आती है आपके पास या मीटर, अब यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से नंबर ऑफ डेसिमल 2 और इस तरह से सेव कर देंगे। इसी तरह से आपके पास जितने भी आइटम्स के यूनिट है क्रिएट करा सकते हैं। अब हम आइटम क्रिएट कराएंगे, जब आइटम क्रिएट कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कीबोर्ड। अगर आप कंपनी का नाम डालना चाहते हैं तो क्वांटम, इस तरह से भी क्वांटम आप डाल सकते हैं, इस तरह से पूरा डाल सकते हैं क्वांटम USB कीबोर्ड, जो भी मॉडल आप देना चाहते हैं यहाँ पर नीचे शो कर दीजिए। अब देखिए जो हमने यहाँ पर बनाया था अंडर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इंटर मार देंगे। जितने भी हमने यूनिट्स बनाए थे मीटर्स, नंबर, पीसेस, तो यहाँ पर हमें ये जो सामान देना है पीस में देना है, इस तरह से इंटर मारेंगे और जो हमारे आइटम्स होंगे वो सेव हो जाएंगे। हमने कीबोर्ड ऑलरेडी परचेज कर लिया है, इसके बाद हम माउस परचेज कराएंगे, क्वांटम माउस USB इलेक्ट्रॉनिक डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे, पीस में सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारते हुए सेव कर देंगे। इसी तरह से जितने भी आइटम आपको
स्टॉक आइटम क्रिएट कराना है, आप क्रिएट करा सकते हैं आपके यहाँ जितने भी हैं। बस समझाने के लिए यहाँ पर हमने आपको दो आइटम बताए हुए हैं। इसके बाद आपने आज क्लास में देखा कि किस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कराया जाता है, मेजरमेंट और ग्रुप। तो यहाँ पर आपने तीन चीज़ें देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि लेज़र को किस तरीके से क्रिएट करा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक क्लास बाय क्लास, डे बाय डे हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद है इसको लाइक करके शेयर कर सकते हैं, मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।